और यहाँ पे देखा जा रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच। घर पे ही देख रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे, सब देख रहे थे। और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। खाने में मैं क्या बना रही थी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और किस-किस को क्रिकेट मैच पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए लेके आई। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच। तो हम लोग सब बैठ के यहाँ पे क्रिकेट देख रहे थे। यहाँ पे आज तो बच्चे भी क्रिकेट देख रहे थे। वैसे तो बच्चों ने कभी क्रिकेट इतने शौक से नहीं देखा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने शौक से देखा, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखा। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड का थोड़ा सा क्रिकेट मैच दिखा रही हूँ, थोड़ी सी उसकी हाइलाइट्स दिखा रही हूँ। पूरा मैच तो मैंने खुद भी नहीं देखा था। मैच देखते देखते मैं उठ गई थी खाना बनाने के लिए। तो वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपसे पूछा था कि मैंने खाने में क्या बनाया, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि आप में से किस किस ने मेरी वीडियो देखी और मैंने क्या बनाया। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरी वीडियो तो इतनी लॉन्ग होती भी नहीं। वीडियो को फुल वॉच करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मैं इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। खैर मैच तो चलता रहा और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी थी खाना। तो जैसे स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा कि मैं क्या बना रही थी मुझे बताएं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला बना रही हूँ, और मसाला बना के मैंने यहाँ पे डाले हैं आलू। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोफ्ते आलू। वैसे तो मुझे कोफ्ते और अंडे बहुत पसंद हैं। तो खैर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही थी, मैं आपको दिखा रही थी। देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है और कैसे इसने ऑयल छोड़ दिया है। देखिए ऑयल, जब ऑयल पतीला छोड़ने लग जाए तो फिर आप समझ जाए कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और मसाला भूनते हुए मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट डाल दिया था। योगर्ट डालने के बाद मैंने दोबारा से मसाला भुना था। मैं आपसे फुल रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते और आलू बना रही हूँ। मेरे बच्चों आलू मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है आलू। मेरे बच्चे मीट मटन चिकन इतने शौक से नहीं खाते, तो इसलिए मैं आलू डाल देती होती हूँ, तो उससे है कि बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू भून लूँगी, और साथ साथ मैं देख रही थी क्रिकेट मैच और बच्चे भी देख रहे थे क्रिकेट मैच, और सुबह बच्चों का पेपर भी है। तो मैं अब उनसे कह रही थी आप उठ जाएँ, बस पढ़ें, अपनी स्टडी स्टार्ट करें। तो आलू भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दी हैं कोफ्ते, और कोफ्ते आप देख रहे होंगे किस शेप के हैं, किस कलर के हैं, सॉरी। तो जी हाँ, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, और मैं कोफ्ते हमेशा बना के फ्राई करके फ्रीज़ करके रखती हूँ। और फ्राई करके रखने से कच्चापन तो ख़त्म हो जाता है, और जब हम खाना बनाते हैं बहुत जल्दी बन जाता है। और ये देखें कोफ्ते मेरे बहुत जल्दी भुने जा चुके हैं। इसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, तो अब आ गए हैं तहा रूम में, और ये देखिए तहा पढ़ाई कर रहे हैं। खैर तहा यहाँ पे बैठ के पढ़ाई तो नहीं करते, लेकिन आज तहा ज़्यादा शौकी हो गए थे क्योंकि तहा को पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो तहा बैठ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, मैं बुला रही हूँ नीचे आओ, तो तहा कहते नहीं मैंने नीचे नहीं आना। तो मुझे था कि तहा का मूड ख़राब हो जाएगा, तहा ने पढ़ना नहीं होगा फिर, तो चलिए यहाँ पे बैठ के गो मुझे टेस्ट दे रहा तो दे दे। तो खैर ये था एक छोटा सा शुगल तहा का, और नीचे बैठी हुई मीरा पढ़ी है, और मीरा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरी बातें मानती है, स्टडी में कभी मुझे तंग नहीं करती। वैसे मुझे तंग करती है, बट स्टडी में मीरा ने मुझे कभी तंग नहीं किया। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बताइएगा मैं इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट क्या लेके आऊँ, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।